दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैम टेक्निकल पे। दोस्तों एक और बिल्कुल नई लोन से रिलेटेड ऐप लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। कौन सी ऐप है, किस तरीके से लोन मिलेगा मेरा भाई, सारा का सारा लाइव अप्लाई करके आपको बतलाऊंगा, सारा का सारा प्रोसेस बतलाऊंगा, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होगा कंप्लीट। सारी की सारी वीडियो देखेगा, पूरी वीडियो देखेगा जब भी आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर आपको किस तरीके से लोन मिलेगा और कितने दिन के लिए लोन मिलेगा। चले जानते हैं उस ऐप के बारे में और उसके सारे प्रोसेस के बारे में। बाकी जो हमारे भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। दोस्तों ऐप के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको 5000 रुपये तक का लोन दिख रहा है, 7000 का आपका अनलॉक है, यहाँ पर 9000 का भी अनलॉक है। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर 5000 तक का मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, उसके बाद वर्क इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिज स्टेटस आपका क्या है वो डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपकी एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन डाल के इसको सबमिट कर देना है। चलिए पहला स्टेप मैं आप फटाफट कंप्लीट कर दूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड के अंदर आपको अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या है वो सबमिट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आगे का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं इसे फटाफट सबमिट कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बतलाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर तीन स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे स्टेप पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना जो आईडी वेरिफिकेशन करवानी है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड का बैक और फ्रंट साइड का फ़ोटो डालना है, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर और जो आधार कार्ड में आपका फुल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको सबमिट करना है। चलिए मैं इसे भी फटाफट कर देता हूँ। दोस्तों मेरा काम होता है आप लोगों को ए टू जेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देना है। ऐप के अंदर जो भी डिटेल जा रही है वो सही, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो मैं आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ हर ऐप के अंदर। तो वीडियो को आप देखा करें, आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसके बाद। तो मेरे भाई जैसे ही आप यहाँ पर सारी की सारी डिटेल सबमिट कर लेते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड की, उसके बाद यहाँ पर अपना आपको एक यहाँ पर एक आपको अपनी वीडियो डालनी है 3 से 5 सेकंड की, मतलब जैसे आप फेस वेरीफाई करवाते हैं सेफ इसी तरीके का यहाँ पर आपको वीडियो टाइप डालनी है। तो मैं इसे भी फटाफट सबमिट करता हूँ। चलिए तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे सारे स्टेप हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर आधार ई केवाईसी करनी है, यहाँ पर आपको ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है इसके अंदर आपका एक बात और ध्यान रखना, मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, चाहे किसी नंबर से भी हो लेकिन नंबर से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर डालता हूँ, इसे नेक्स्ट करता हूँ फटाफट। यहाँ पर आप एक OTP आएगा उसको यहाँ पर आपको डाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको कर दिया है, यहाँ पर सेंडिंग के लिए जा चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी देर में पहुँचता है, कितने टाइम लगता है इसके अंदर। चलिए मैं इसे भी रोकता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास OTP आ चुका है, चलिए मैं इसे फटाफट डाल देता हूँ। यहाँ पर OTP आया गया है, चलिए जी इसको डालता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक आपको इसके अंदर कोड वगैरह डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाके इसको कर देना है क्लिक, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका हो चुका है कम्प्लीट। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है जी, यहाँ पर अपलोड करनी है पे स्लिप। तो यहाँ पर आप जो पे स्लिप मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है यहाँ पर आप अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी डाल सकते हैं। चलिए मैं इसे सबमिट कर। तो दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना भैया आपको किस लिए लोन चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको उसके लिए बता दीजिए आप। तो यहाँ पर जो भी आपको बात हो यहाँ पर आप डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप मेरी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है मुझे मिली है टोटल 2000 रुपये की, यहाँ पर मुझे लोन टर्नओवर मिला है 2000 का। तो यहाँ पर मुझे जो लोन मिलेगा वो मिलेगा जी 1528 रुपये टोटल, ये 14 दिन के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीपेमेंट डेट होगी यहाँ पर है जी, आप देख सकते हैं 28/2/2020। तो फ़िलहाल में मुझे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग जाइए अगर आपको चाहिए तो बहुत आराम से इसके अंदर ले सकते हैं। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका लोन, आपको जो भी लोन की एलिजिबिलिटी होगी वो आपको थोड़े देर के अंदर अंदर यहाँ पर आपको वो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर मैंने सारी डिटेल बतला दी है, प्ले स्टोर पर लेकर आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको ये सारा का सारा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा आपका, और यहाँ पर इनका जो है मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा और इनकी ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी। आप पिछली तरीके से इनको जो है कर सकते हैं कॉल वगैरह और मैसेज वगैरह। ओके रुपी ऐप का नाम है बिल्कुल नई ऐप है, 100+ डाउनलोड रहे, 4 पॉइंट की अच्छी खासी लोगों ने रेटिंग दे रखी है फिलहाल में। तो आप फटाफट जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए
ओके रुपी ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर आपको इसलिए तरीके से मिल जाएगी, बाकी लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए धन्यवाद।